अस्सलामुअलैकुम, मैं ग़ुलाम रसूल आज फिर आया हूँ एक नया वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा चिकन मजबूस हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। मैं आज आपको बताऊँगा इमराती स्टाइल में चिकन मजबूस हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट्स भी ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले 1 kg बासमती राइस ले लेते हैं, उसे अच्छे से क्लीन करके भिंगो के रख देना है हमें आधे घंटे के लिए। अब हमने यहाँ पे चिकन ले लिया है 2 पीस, 1 चिकन हमारा 1 kg, उसे हमने 2 पीसेस में कट करके क्लीन करके रख दिया है। अब एक पॉट में 2 स्पून घी ले लेना है, साथ में उसमें ऐड कर लेना है 2 स्पून ऑयल भी, मिक्स करके इसे थोड़ा गर्म कर लेते हैं। गर्म होने के बाद उसमें ऐड करेंगे होल गर्म मसाले, थोड़ा सा भुनने के बाद उसमें ऐड कर लेंगे 4 पीस ओनियन चॉप्ड। अब इसे हमें थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है अच्छे से। देखिए ओनियन जब ब्राउन हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे 2 स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसे थोड़ा सा पका लेते हैं, हल्का सा भून लेते हैं। जिंजर गार्लिक भून लेने के बाद उसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, 1 स्पून हल्दी का पाउडर, 1/2 स्पून जीरे का पाउडर, 1/2 स्पून धनिया का पाउडर एंड 2 स्पून अरबिक मसाला पाउडर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इन सबको अच्छे से पहले मिला लेते हैं हल्का वाटर देकर, ताकि ये मसाले जल ना जाए। हल्का वाटर मिला लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 पीस टमाटो चॉप्ड किया हुआ एंड 2 स्पून टमाटो पेस्ट। अब इसे थोड़ा पका लेते हैं अच्छे से। थोड़ा देर पका लेने के बाद इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे, आप चाहे तो बिना वेजिटेबल का भी बना सकते हैं, मैं इमराती स्टाइल में बना रही हूँ, इसलिए वेजिटेबल इसमें ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद जो चिकन हमने लिया था क्लीन कर गया हुआ, उसे इसमें ऐड कर लेना है। अब इसे थोड़ा अच्छे से भून लेना है 5 से 10 मिनट के लिए, देखिए इस तरीके से। जब हमारा अच्छे से भुनना हो जाए तो उसमें हॉट वाटर जो हमारा गर्म पानी रहेगा उसे इसमें ऐड करेंगे बॉईल करने के लिए, ताकि चिकन अच्छे से बॉईल हो जाए इसमें। तो इसमें 3 पीस ड्राई लेमन ऐड करेंगे, 2 पीस बिग चिली ऐड करेंगे और थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप्ड इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इसे बॉईल करने के लिए छोड़ देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, देखिए 15 से 20 मिनट के बाद ये बॉईल जब हो जाए तो हमारे चिकन को हमें निकाल लेना है अलग एक ट्रे में। निकाल लेने के बाद एक बॉल लेते हैं, उसमें ऐड करेंगे 1 पीस लेमन का जूस, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, 1/2 स्पून पपरिका पाउडर, 2 स्पून ऑयल। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जो चिकन हमने निकाल के रखा था ट्रे में, उसमें इसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा ग्रिल कर लेते हैं चिकन को, जब तक चिकन ग्रिल होगा राइस बना लेते हैं। इसमें राइस ऐड कर लेते हैं इसी वाटर में। राइस ऐड कर लेने के बाद यहाँ पर ही 2 पीस लेमन का जूस जो है हमारा यहाँ ऐड कर लेते हैं, ताकि इसमें अच्छा खट्टापन आ जाए। अब इसे अच्छे से कुक करते हैं। पहले जब वाटर आपका नीचे चला जाए, राइस ऊपर आ जाए, इस तरीके से हमारा राइस जब वाटर जब सूख जाए, अब इसे हमें दम में बैठा देना है आधा घंटे के लिए। 30 मिनट के लिए हम इसे दम में दे देते हैं स्लो फायर में। देखिए हमारा आधा घंटा हो चुका है, मैं देखता हूँ, माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा दम हो चुका है ये। अब इसे मैं सर्व कर देता हूँ अपने सेनिया में, आप चाहे तो किसी भी प्लेट में सर्व कर सकते हैं। अब इसके ऊपर से जो ग्रिल हमने चिकन किया था, उस चिकन को इसमें बैठा देना है। लेमन गार्निशिंग दे देते हैं, थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड कर लेते हैं। हमारा चिकन मजबूत रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कॉमेंट्स भी ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।